श्री राम समर्थ जुलाई 15। व्याकुल होने पर गुरु से भेंट निश्चित। यह मनुष्य की समझ में आता है कि क्या करे क्या न करे, किंतु उसका मन रोकने पर भी नहीं रुकता। विषय का उपभोग करते समय मन उसमें अधिक रत हो जाता है, लेकिन बाद में उसके सुख दुख से निपटते हुए हमारी चित्तवृत्ति जरूर भ्रमित हो जाती है। हमें जो भ्रम हो जाता है, इसके नष्ट करने के तीन उपाय हैं: एक सद्विचार, दूसरा नामस्मरण और तीसरा सत्संगति। संत को पहचानना बहुत कठिन होता है। हम उसके जैसे हो जाए तभी वह समझ में आए, इसकी अपेक्षा सद्विचारों का चिंतन और पोषण करना सरल होता है। भगवान का विचार ही सुविचार है। भगवान की कथाएं सुने, उसकी लीलाओं का वर्णन करें, उसके वर्णन के ग्रंथ पढ़े, लेकिन इन सब से ज्यादा अच्छा जो सदा हमारे पास है वह भगवान का नामस्मरण करे। तुम नामस्मरण करते रहो तो तुम्हें संतों को खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत ही ठीक हिमालय के संत भी तुम्हें खोजते आएंगे और तुम्हारा काम करेंगे। भाई, मिश्री की डली रख दो, फिर चींटियों को न्योता नहीं देना पड़ता। तुम कहोगे हमसे वह नहीं करते बनता, लेकिन हम अपने बेटे को विद्यालय में भेजते हैं और वह नहीं पढ़ता या उससे पढ़ाई नहीं होती, तब भी हम फिर उसे उसी कक्षा में जबरदस्ती भर्ती करते ही है या नहीं, और उसे ज्ञान की एक शाखा नहीं आती तो दूसरी कौन सी आएगी, यह सोचकर उसे वह सिखाते ही या नहीं और वह अपने पेट भरने लायक हो जाए, इसके लिए हमें बेचैनी होती ही है या नहीं। वैसे ही परमेश्वर की प्राप्ति हो इसलिए क्या हमें बेचैनी होती है? नहीं, नहीं होती। तो जब वैसे बेचैनी हो तब तुम्हारे गुरु ठीक जमीन से निकलकर तुम्हारे लिए ऊपर आएंगे। वह लगातार तुम्हारी राह देख रहे हैं। माँ अपने बेटे की बहुत हुआ तो एक जन्म तक ही, यानी जब तक देह है तभी तक चिंता करती है, किंतु गुरु जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी चिंता करने को तैयार हैं। अब उनके देह नहीं है, यानी वे देह रूप में दिखाई नहीं देते, इसलिए वे नहीं हैं ऐसा मत समझो। तुम उदास होते हो तो वे उदास होते हैं, तुम्हें कांटा चुभता है तो उन्हें उसका दर्द होता है, इसलिए तुम कभी उदास मत बनो। देह के भोग आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम सदा आनंद में रहो। तुम्हें अब कुछ करना बाकी है ऐसा मत मानो। गुरु से भेंट होने पर तुम के रूप में नहीं रहते। हाँ, गुरु की अनन्य शरण में जाओ। एक शिष्य मुझे मिला तो वह आनंद से नाचने लगा। मैंने उससे पूछा, तुझे इतना आनंद काहे का हो रहा है? तब वह बोला, मेरे लिए अब आनंद के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। आज मुझे गुरु जो मिल गए, तो जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसी की गुरु से सच्ची भेंट होती है। जो हो, तुम गुरु की अनन्य शरण जाओ तो फिर तुम्हें और कुछ करने की जरूरत न रहे। आज का मुख्य विचार, भगवान के लिए व्याकुल होना साधकपन का प्राण है, इसलिए रात दिन राम के लिए लगन हो और मुख में उसका नाम हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।